नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केट 6 में। बिहार सिपाही भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। इस परीक्षा में इसके रिजल्ट को लेकर देरी होने का पीछे कारण बताया जा रहा है। जी हां, इस परीक्षा को लेकर 194 छात्रों का OMR सीट गायब हो चुका है। अब यहां पे या तो ये बहुत बड़ा झोल हो रहा है जिसके चलते 194 लोगों को यहां पे रिक्रूटमेंट सीधे कर दी जाएगी, क्योंकि बहाली की जो प्रक्रिया है वो 2380 पदों की है। मैं बात कर रहा हूं बिहार सिपाही भर्ती फायरमैन को लेकर। यहां पे आपको बता दें कि अब आयोग से विनती रहेगी हमारी, क्योंकि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी 11 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए। और इस 11 सूत्री मांग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस एग्ज़ाम का बुकलेट देना, उस एग्ज़ाम का कार्बन कॉपी देना, ताकि ये एग्ज़ाम में पारदर्शिता दर्शाई जा सके। बिहार के सभी परीक्षाओं में नहीं, अगर हम बात करें बिहार के उन तमाम प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती को लेकर, तो ऐसी गड़बड़ियां लगातार देखने को मिलती हैं। अभी हाल के ही दिनों में BPSC में भी एक गड़बड़ी हुई, जिसके चलते BPSC 67वीं एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है और स्थगित होने के बाद उसका री एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन उस परीक्षा को लेकर अभी भी उन छात्रों को नहीं पकड़ा गया है जो छात्र पहले से बैठकर सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहे थे। क्या उनके ऊपर कार्रवाई आयोग या सरकार नहीं करेगी? उनको पकड़ेंगे तो सारी बड़ी मछलियाँ पकड़ में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा आयोग और सरकार नहीं कर रही है। उसके पीछे उनका SIT टीम गठित है, वो जाँच कर रही है, वो सारी चीज़ें देख रही है, वो जो सही बोलेंगी वही सही होगा। तो यहाँ भी एक गड़बड़ी हो गई है। 2380 पदों के लिए फायरमैन का CSBC ने वैकेंसी निकाला था, जहाँ पे MJK कॉलेज में एक एग्ज़ाम सेंटर रखा गया है, और इस परीक्षा को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी हुई है, क्योंकि PR फायरमैन को लेकर यहाँ पे छात्र अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और रिजल्ट के इंतज़ार करने के साथ साथ यहाँ पे जो ये झोल हो गया कि 194 लोगों का OMR सीट ही गायब हो गया। अब आयोग से एक विनती है कि आप हमारा कार्बन कॉपी भी दें, ताकि हमें पारदर्शिता दिखे कि ये एग्ज़ाम जो है सही से हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं तो शायद इसके लिए हो सकता है कि छात्र और छात्र संगठन जो है आंदोलन भी करेंगे। आपको मैं एक न्यूज़ से अपडेट करवाने जा रहा हूं, जो कि आज की ही न्यूज़ से ये अपडेट किया गया है। बड़ी लापरवाही बताई जा रही है केंद्रीय चयन पर्षद की तरफ से, जो पत्र के बाद मचा ये हड़कंप है सिपाही भर्ती। देखिए, जो एग्ज़ाम है ना, ये 27 मार्च को समाप्त हो गया है, और ये 2380 पदों की बहाली की प्रक्रिया थी। जी हाँ, जो कि बहाली फायरमैन की सिपाही भर्ती को लेकर थी, जिसमें कि ये गड़बड़ी बताई जा रही है कि 194 OMR सीट ही गायब है। अब ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, ये चल रहा है केंद्राधीक्षक और नोडल पदाधिकारी और कुछ केंद्राधीक्षक और वीक्षकों के बीच में, क्योंकि ये आपस में भी होगा। उसके बाद ये मामला आयोग तक जाएगा, क्योंकि आयोग तक ये सारी चीज़ें पहुँच चुकी होंगी, क्योंकि वहाँ से जब कॉपियों की संख्या जो है कम हुई, 194 कॉपियाँ कम हुई, तो ये पता लगाएगा कि वो किस सेंटर से कमी हुई है। तो टोटल का टोटल MJK कॉलेज से ही ये सारी जो है OMR सीट गायब हैं। तो केंद्राधीक्षक बोले हैं कि मेरे पास रिसीविंग ऊपर से हुई गड़बड़ी है, जो कि मेरे पास जो है रिसीविंग, ऐसे बता रहे हैं कि आयोग से ही ये कम आया है 194 सीट। नोडल पदाधिकारी कहते हैं कि यहाँ से नोडल पदाधिकारी से जब बात हुई तो उनसे मांगा गया है जवाब, और फंस सकते हैं यहाँ पे अधिकारी, केंद्राधीक्षक और वीक्षक। तो इनको जब ये ड्यूटी दी जाती है, इनको इसके लिए सैलरी भी दी जाती है कि भाई आप एग्ज़ाम करवाइए, तो ये अपना काम सही से क्यों नहीं करते? अगर ये गलती यहाँ पे हुई है तो, और नहीं तो ये अगर गलती हुई है आपके CSBC यानी कि केंद्रीय चयन पर्षद से, तो क्यों हुई है? और अगर ऐसा हुआ है तो क्या 194 लोगों का यहाँ पे बैकडोर एंट्री हो रहा है? ये बहुत बड़े सवाल उठते हैं, और ये सवाल हम नहीं, ये पूरा बिहार का छात्र पूछ रहा है, और ये छात्र अपने सवाल को लेकर सरकार तक भी पहुंचेगा। जी हाँ, जिले में बीते 27 मार्च को हुई सिपाही भर्ती की भारी गड़बड़ झाला के सामने आया है। परीक्षा के लिए केंद्रीय चयन पर्षद से भेजी गई OMR सीट में 194 सीट गायब है। आरोप है कि परीक्षा केंद्र की ओर से वापस भेजे गए जो पैकेट है, उसी में 194 OMR सीट कम पाए गए हैं, तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जबकि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि सभी सीट को वापस भेजने और उसकी रिसीविंग होने का दावा किया गया है। ऐसे में 194 सीट का रहस्यमय ढंग से गायब होना, ये हड़कंप तो मचाएगा है। मामले के लेकर यहाँ पे केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से संबंधित नोडल पदाधिकारी को भी पत्र लिख दिया गया है। आपको बता दें दोस्तों कि ये OMR के लिए जो नोडल सेंटर को भी ये पत्र लिखा गया है, और OMR सीट की मांग की गई है। मामले में DEO रजनीकांत प्रवीण ने MJK कॉलेज केंद्राधीक्षक सह प्राचार्य को पत्र भेजकर इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा है,
और माना जा रहा है कि यदि गायब ओएमआर सीट प्राप्त नहीं होते हैं तो कई अधिकारी मजिस्ट्रेट और वीक्षक कार्रवाई में जल्द ही इसके फेरक में आ सकते हैं, यानी कि गड़बड़ी मामलों में इनके नाम फंस सकते हैं। फिलहाल पत्र के बाद शिक्षा विभाग ने हड़कंप की स्थिति को देखते हुए 194 ओएमआर सीट गायब होने किसी भी हजम नहीं हो पा रहा है। और सवाल यह है कि जब परीक्षा 27 मार्च को हुई थी तो अब तक ये सो रहे थे, ये जानकारी होने में इतना दिन कैसे लग गया। साथ में ही यह भी सवाल है कि परीक्षा समाप्ति के बाद केंद्र पर सीट का मिलान नहीं करवाया गया और ऐसे में मामला पेचीदा हो गया है। तो गड़बड़ी अगर कॉलेज से हुई है तो भी गलती है, क्योंकि वहाँ पर अगर मिलान नहीं हुआ है तो 194 सीट गए कहाँ वहाँ से। और इनका कहना है कि 194 सीट ऑलरेडी कम आए थे, तो वो 194 जो लोग थे, छात्र जो थे, वो कहाँ से बैठ के एग्ज़ाम दिए? क्या इनकी कॉपी ही गायब हो गई है, या फिर अलग से उनका एग्ज़ाम लिया गया है, या इनकी बैकडोर एंट्री हो रही है? ये बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे यहाँ पे सवाल उठते हैं इस एग्ज़ाम की पारदर्शिता पे। तो 27 मार्च को ये परीक्षा हुई थी, 1320 अभ्यर्थी इस सेंटर पे शामिल हुए थे इस परीक्षा को देने के लिए, 1320 परीक्षार्थियों में भाग लेने वाले थे। परीक्षार्थी जो है समाप्ति के बाद केंद्राधीक्षक की ओर से पैकेट पर्षद को भेज दिया गया है, और 4 जुलाई को ओएमआर सीट की स्कैनिंग के दौरान यहाँ पे इस बात का खुलासा हुआ कि एमजेके कॉलेज की 194 सीट कम प्राप्त हुए हैं, और परिषद के विशेष कार्याधिकारी और तत्काल संज्ञान लेते हुए डीओ की इसकी जानकारी दी है, और डीओ ने तुरंत केंद्राधीक्षक एमजेके कॉलेज के प्राचार्य को सूचना देते हुए यहाँ पे ओएमआर सीट की मांग की है कि आखिर ये गया कहाँ। ये सारी चीज़ें सिपाही भर्ती के लिए जितने भी ओएमआर सीट आए थे कॉलेज में, वो उनका कहना है कि हमने आपको रिटर्न कर दिया है, और वो 194 की स्कैनिंग वहाँ पे गायब है। तो 194 लोगों की यहाँ रिसीविंग ही जब गायब है तो ये 194 लोगों का नौकरी या फिर एग्ज़ाम कैसे लिया गया है? तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर अब जांच बैठेगी। इसके ऊपर जांच बैठने के साथ साथ जो है मामला अभी और फंसेगा। बिहार फायरमैन का रिजल्ट कब तक आएगा, ये अब यहाँ पर अनिश्चितता में चला गया है। अब इस पे जब तक सारी चीज़ें जांच होकर नहीं आएंगी, रिज़ल्ट भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे रिज़ल्ट दे दिया जाता है, यह अगर रिज़ल्ट आ जाता है कि बाकी लोगों का रिज़ल्ट दे दिया जाए, तो ये एक गड़बड़ी का मामला होगा। जी हाँ, क्योंकि ये जो छात्र हैं ये कौन है, किनका सीट गायब हुआ, ये भी पता करे आयोग, और इसके ऊपर कार्रवाई होगी। वरना यहाँ आंदोलन तो छात्र और छात्र संगठन जो है वो करेंगे ही करेंगे, और इसके लिए सरकार जो है कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी सरकार, आयोग और उस सेंटर पे हुआ है जहाँ पे 194 ओएमआर सीट गायब हुए। ये एक अपडेट था दोस्तों, 2380 पद के लिए लेकर सिपाही भर्ती में गड़बड़ी हुई है। तो आप लोगों के क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और अपशब्द का उपयोग ना करें आप लोग, बेहतर होगा। और किसी के प्रति भी, क्योंकि वो आयोग हो सकता है, वो परिषद हो सकता है, या फिर वो सरकार हो सकती है, किसी के प्रति भी नहीं कहना चाहिए। आप अपनी राय रखिए कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाए। और अब जो है इस परीक्षा को लेकर विलंबता होगी, इसके रिजल्ट को लेकर। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।